बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकी आंखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आंखों में बंदिया चल के आएगा। जिन्होंने खुद जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान की, उच्च स्वामी जी ने जब बुंदेलखंड में शिक्षा की दुर्दशा को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि ये समाज, ये राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक समाज का युवा वर्ग शिक्षित नहीं होगा। जब तक शिक्षा आगे मत आना, समाज के लोगों के पास नहीं होगा ये कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने देखा कि समाज में इतना भेदभाव है, छुआछूत की भावना है। उस समय सिर्फ अमीरों और जमींदारों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि निर्धन वर्ग के पास इतना धन नहीं हुआ करता था कि वो अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ा सके। तब उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं भी ऐसे विद्यालय का निर्माण करूंगा जिसमें हर वर्ग का विद्यार्थी समान रूप से बिना भेदभाव से अल्प मात्रा की फीस पर शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। पूज्य स्वामी जी ने हमेशा इस देश के लिए, इस समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। कुछ स्वामी जी कहा करते थे कि हमेशा ऐसे कार्य करो जिससे लोग आपको याद करें, जिससे समाज आपको याद करे। कुछ स्वामी जी कहा करते थे कि हमेशा जब भी कोई कार्य करें उसके पीछे संकल्प होना चाहिए, जितना बड़ा आपका संकल्प होगा मुश्किलें उतनी बड़ी आएंगी। लेकिन वो मुश्किलें सिर्फ आपके हौसलों को परखने के लिए आती है, आपके इरादों को परखने के लिए आती है। और कहा भी है कि मुश्किलें जिनके इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे आंखों से हटाती हैं, हौसला मजबूत करता है, मुसाफिर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। कुछ स्वामी जी ने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा। वो कहते थे कि अगर आपका संकल्प आपके साथ है तो आप बड़े से बड़े काम को अकेले ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू हिस्सा अंधकार रख लेता है। वीडियो नहीं मिली। तो पूज्य स्वामी जी हमेशा स्वयं में आस्था रखते थे। वो कहते थे कि अगर स्वयं में आस्था है तो बंद द्वार में भी आस्था है। आज हमारी युवा पीढ़ी लगातार अंधकार की ओर जा रही है। आज हमें पूज्य स्वामी से प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनसे सीखने की जरूरत है। हम पूज्य स्वामी जी जैसा बन तो नहीं सकते, कम से कम उनके पदचिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम उनके पदचिन्हों पर चलकर ही अपना जीवन सफल बना सकते हैं। और कहा भी है कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, पर मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। आजकल दुनिया से सबको यकीन आ रहा है, लेकिन मरने से पहले कुछ काम ऐसे करके जाइए, ये समाज आपको याद करें, ये लोग आपको याद करें। पूज्य स्वामी जी हमेशा परोपकार के लिए जीते थे, हमेशा गरीबों के लिए जीते थे। आज हमारे युवा वर्ग से अगर पूछा जाता है कि आपका आइकॉन कौन है, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, तो पूज्य स्वामी जी अगर पूछते थे कि आपका आइकॉन कौन है, जब युवा वर्ग से पूछा जाता था कि आपका आइकॉन कौन है, तो कोई कहता है मेरा आइकॉन अक्षय कुमार को बताता है, कोई सलमान खान को बताता है, कोई किसी को बताता है। लेकिन अगर सच्चे मायनों में हमारा कोई आदर्श होना चाहिए, आइकॉन होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, तो पूज्य स्वामी जी जैसे व्यक्ति होने चाहिए जो हमेशा समाज को कुछ देने का कार्य करते हैं, जो समाज को बदलने की सोच रखते हैं। और कहा भी है कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद छंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बालक मांगता तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बालक मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके ये ब्रह्मानंद जय जय।